है दोस्तों, वेलकम बैक। इन दोस्तों कल मैं रस्ते से जा रहा था, और जैसे मैं जा रहा था पता है मुझे कौन मिला? यस, मुझे डोरेमोन मिला। जैसे मुझे डोरेमोन मिला, मैंने मेरी यार नोबिता की तरह ओवर एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला डोरेमोन मुझे यार हर एक रीजन में जाना है, मुझे एनीवेयर डोर दे दो। बट यार डोरेमोन ने मेरी गजब बेइज्जती कर दी, बहुत घमंडी है यार। मुझे बोला मैं किसी ऐरे गेरे को एनीवेयर डोर नहीं देता। जैसे उसने मुझे ऐसा बोला ना, मेरा दिमाग घूम गया, मुझसे गुस्सा आ गया। उसने दी ग्रेटेस्ट मैजिक ऑफ ट्रेनर की बेइज्जती कर दी। मैंने यार मेरा रेडेटा बाहर निकाला, और जैसे उसने मेरे माउस पोकेमोन रेडेटा को देखा, उसकी तो हालत खराब हो गई। पहले ही चूहे से डरता है, ऊपर से दी स्ट्रॉन्गेस्ट रेडेटा को देखा, भाई साहब यार एनीवेयर डोर मेरे हाथों में रख के गया। तो यार एनीवेयर डोर मेरे पास आ गया है। सो है दोस्तों, वेलकम बैक। एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन के बारे में। वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन भी फायर टाइप की तरह काफी फेमस है। हर कोई यार जो यार फायर टाइप पोकेमोन को चूज नहीं करता है, तो उसका सेकंड ऑप्शन यार वाटर टाइप भी होता है। वाटर टाइप पोकेमोन काफी सारे होते हैं, यहाँ तक कि मिस्टिक जो है उसका फेवरेट टाइप भी वाटर टाइप है। और यार मुझे पर्सनली वाटर टाइप भी काफी ज्यादा पसंद है। जितना मुझे यार फायर टाइप पसंद है, उतना ही मुझे वाटर टाइप भी पसंद है। हर रीजन के वाटर टाइप जो स्टार्टर पोकेमोन है ना, उनकी डिजाइन बिल्कुल ऑसम है। उनको देखने से लगता है भाई साहब बॉस है यार, बॉस। यानी कि देखा जाए जो नहीं होता लीडर क्वालिटी, वो यार मुझे वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन के साथ लगती है। वो यार वाटर टाइप पोकेमोन को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि भाई सबसे पावरफुल तो यही है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन कौन है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में, उनकी रैंकिंग भी करेंगे। यानी कि ऑल इन वन वीडियो होने वाली, इसको शुरू करते हैं। और उससे पहले यार वीडियो पे यार लाइक कर दो, लाइक के बटन में वाटर गन अटैक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों यार फाइनली यार मैं मेरा एनीवेयर डोर इस्तेमाल करके आ गया हूँ कैंटो रीजन में। बट इस बार मैं प्रोफेसर के पास नहीं जाऊँगा यार, मेरी बेइज्जती करते हैं वो। तो मैं जाऊँगा एस की मोम के पास, एस के घर में जाऊँगा। तो फाइनली मैं एस के घर में आ गया हूँ। और यार मैं एस की मोम से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई यार ब्लास्टोइज टाइप ट्रेनर है क्या, मुझे उससे बात करनी है। तो वो बोलती है क्या गैरी है, उसके पास ब्लास्टोइज है। मेरी तो हालत खराब हो गई, यानी कि घूम फिर के मुझे प्रोफेसर के पास ही जाना है। तो यार मैं प्रोफेसर की लैब में आ गया हूँ, गैरी से मिल गया हूँ। मैंने गैरी से पूछा कि यार ब्लास्टोइज दिखाओ यार तुम्हारा। उसने बोला मेरे पास दो दो ब्लास्टोइज है, एक ब्लास्टोइज तुम रख लो। और यार उसने मुझे मेगा स्टोन और की बैंड भी दिया है। यार मेरा कितना वर्ट है यार, एस को यार मेगा स्टोन नहीं मिला पर मुझे मिल गया। तो यार मेरे पास ब्लास्टोइज आ गया है, और ये तो ब्लास्टोइज काफी पावरफुल है, अटैकिंग डिफेंसिंग दोनों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। खास कर इसके वाटर टाइप मूव जो है काफी ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोगन अटैक को ये और भी ज्यादा सुपर स्पीड से कर सकता है, बिकॉज इसके पास दो दो कैनन है। बट जब ये मेगा वो होता है, इसके पास तीन तीन कैनन आ जाती है, जिसकी मदद से हाइड्रोगन अटैक को यार ये काफी पावरफुल तरीके से कर सकता है। यार हाइड्रो पंप होता है, हाइड्रोगन नहीं होता, मैंने कुछ गलत ही बोल दिया है। देखने वाली बात यहाँ पे ये है, ब्लास्टोइज कमाल का पोकेमोन है। वाटर टाइप पोकेमोन में मेगा एवोल्यूशन आने के बाद ये पोकेमोन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पूरी पोकेमोन की दुनिया का बन जाता है। ये पोकेमोन काफी ज्यादा ओवर पावरफुल है। यानी कि देखने वाली बात यहां पे ये है कि ब्लास्टोइज पोकेमोन एकदम हीरा है, डायमंड है, डायमंड। फिर जो अगला रीजन है वो है जोटो रीजन। तो फाइनली मैं जोटो रीजन में आ गया हूं। मैंने यार बहुत सारे ट्रेनर को मिलने की बात की, मैंने बोला यार मुझे यार कोई पोकेमोन दे दो, मुझे फ्रालीगेटर दे दो, बट यार किसी ने मेरी सुनी नहीं। बट यहां पे अकेला यार वाटर टाइप पोकेमोन को यार फाइंड करूंगा। तो यार मैं जंगल में गया, बहुत ज्यादा मेहनत की, पर मुझे यार कोई पोकेमोन मिले ही नहीं। पर मैंने यार बाद में सोचा कि वाटर टाइप पोकेमोन तो झरने के पास मिलेंगे। मैं गया झरने के पास, वहां पे मुझे फ्रालीगेटर मिला, मैंने उसकी हेल्प की, उसकी जान बचाई, और मैंने केस कर लिया फ्रालीगेटर को। जैसे मेरे पास फ्रालीगेटर आया, इसकी पावर भी काफी ज्यादा है, भले ही ये मेगा एवोल्यूशन को अचीव ना कर पाए, बट भाई साहब पोकेमोन जो है लाजवाब है, पावर काफी ज्यादा है। इसकी जो बाइटिंग जो स्किल है ना, यानी किसी को काटने की स्किल काफी ज्यादा है, और या दूसरे अटैक भी से काफी ज्यादा है। खास कर इसके अटैकिंग स्टाइल काफी ज्यादा मुझे बेहतरीन लगी, डिफेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट पोकेमोन एकदम खास लाजवाब है। ये भी डायमंड है, डायमंड से थोड़ा सा नीचे होगा, बट कमाल का है। फ्रालीगेटर तो मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब चला गया है। फिर जो अगला रीजन है वो है होविन रीजन। मैं फाइनली होविन रीजन में आ गया हूं, और मुझे जरूरत थी एक ऐसे बंदे की जो कि यार पोकेमोन को काफी ज्यादा जानता हो। तो यार ऐसा कौन बंदा है होविन रीजन में? यस यार, वो बंदा है ब्रैंडन। मैं ब्रैंडन के पास गया, काफी अच्छा बंदा है। मैंने बोला कि यार
रहा चुपचाप वाटर टाइप पोकेमोन निकालो। वो बोलता है मेरे पास वाटर टाइप नहीं है, रेप्टाइल है। मैंने बोला कैसी बातें कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तो यार मैं चला गया, मुझे एक ऐसा पोकेमोन चाहिए जो कि स्वैम्पट पोकेमोन। स्वैम्पट पोकेमोन मैंने काफी ज़्यादा फाइंड किया और एट द एंड मैंने स्वैम्पट को कैच कर लिया। स्वैम्पट पोकेमोन काफी ज़्यादा ओवर पावर्ड पोकेमोन है, फरारी कैरेक्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। और खासकर इसकी जो टाइपिंग है ना भाई साहब काफी ज़्यादा कमाल की है, मेगा एवोल्यूशन भी कर सकता है। यहाँ की वाटर एंड ग्राउंड टाइप की जो एबिलिटी है टाइपिंग है ना काफी कम पोकेमोन के पास होती है और उनमें से यार स्वैम्पट पोकेमोन एक है। भाई साहब स्वैम्पट पोकेमोन पूरी दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। बिल्कुल यार टाइपिंग देखो यार, टाइपिंग से मैं इसका दीवाना बन चुका हूँ। इसकी यार वीकनेसेस भी काफी ज़्यादा कम है, यानी कि ये जो पोकेमोन है लिस्ट में नंबर 1, 2, 3 यानी कि काफी ऊपर रहने वाला है। फिर जो अगला रीजन है वो है सिनो रीजन। तो दोस्तों फाइनली मैं सिनो रीजन में आ गया हूँ और यार मुझे एक ऐसा ट्रेनर चाहिए जो कि यार काफी ज्यादा घमंडी हो। वो कौन है? यस यार वो पोल है। मैंने पोल को बोला चुपचाप वाटर टाइप पोकेमोन बाहर निकालो, उसने बोला नहीं दूंगा जा, यानी कि चला गया। एक और बेइज्जती हो गई मेरी। फिर यार मैंने काफी कोशिश की, मुझे मिल गया एम्पोलियन पोकेमोन। एम्पोलियन पोकेमोन की टाइपिंग भी काफी ज्यादा कमाल की है, यानी कि दोस्तों इसकी जो टाइपिंग है वो है वाटर एंड स्टील टाइप। इसकी जो टाइपिंग है ओनली वन पोकेमोन है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में जिसकी जो टाइपिंग है वाटर एंड स्टील टाइप की है। क्या पोकेमोन है यार, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल है। यानी कि यार वाटर टाइप पोकेमोन तो फायर टाइप से ज्यादा मुझे बेहतरीन लग रहे हैं। हर एक पोकेमोन की मैं टाइप करते करते थक ही नहीं रहा हूँ। यानी कि देखने वाली बात है मुझे ये लगी एम्पोलियन पोकेमोन भी काफी ज्यादा पावरफुल है और खास कर यार वाटर टाइप जो पोकेमोन अटैक करता है ना मैं तो इसका दीवाना बन ही जाता हूँ। और ये पोकेमोन भी लिस्ट पे काफी ऊपर होगा। और यार मुझे यार सब पोकेमोन को देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं यार सारे पोकेमोन नंबर 1 पे तो नहीं आ जाएंगे ना, कुछ भी हो सकता है। बट अगले रीजन में चलते हैं जल्दी से जल्दी। तो फाइनली मैं अगले रीजन में आ गया हूँ जो कि है यूनोवा रीजन। यूनोवा रीजन का जो पोकेमोन है वो है ओसोवोट का फाइनल इवोल्यूशन। ओसोवोट का फाइनल इवोल्यूशन मुझे मिल जाता है। ये पोकेमोन भी काफी ज्यादा अच्छा है, बेहतरीन है। बट कहीं ना कहीं ओसोवोट के जो फाइनल पोकेमोन है, फाइनल जो इवोल्यूशन है ना, उसको कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया एनिमे सीरीज में जितना कि मैं इसको मानता हूँ। कहीं ना कहीं ओसोवोट जो है थोड़ा सा वीक है, कहीं ना कहीं बाकी पोकेमोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही पीछे ले जाता है। भले ही पोकेमोन वीक हो बट फैंस के दिलों पर ये पोकेमोन राज करता है। फिर जो अगला रीजन है वह है वन एंड ओनली केलोस रीजन। मैं जैसे केलोस रीजन में आया मुझे यार ग्रिंजा चाहिए था। ग्रिंजा कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स ये बात है प्रोफेसर के पास मिलेगा। मैं जैसे गया उनसे ग्रिंजा ले लिया और यार बॉन्ड इवॉल्व कर लिया। अरे मेरे पास पहले से ग्रिंजा है, मैंने ग्रिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर लिया। अब एस मैं तुमसे लड़ूंगा, आ जाओ आ जाओ। यानी कि देखने वाली बात है मुझे ये लगी ग्रिंजा पोकेमोन काफी कमाल का है, काफी ओवर पावर्ड है। यहाँ तक कि जितने मुझे अभी तक स्टार्टअप पोकेमोन मिले हैं ना सबसे प्रभावशाली पोकेमोन, स्ट्रॉन्ग वाइज, पावर वाइज, फेमस वाइज, यानी कि हर मामले में जो पोकेमोन सुपर डुपर ऑसम लगा है ना वो ये पोकेमोन ही है। ग्रिंजा तुसी ग्रेट हो यार। देखने वाली यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ग्रिंजा की ये लगी, डिजाइन कमाल की है। अटैकिंग, डिफेंसिंग, ऑफेंसिंग हर टाइप में ये पोकेमोन एक्सपर्ट है। फिर जो अगला रीजन है दोस्तों वो है अपन सबका प्यारा एलोरा रीजन। बट यार यहाँ का जो स्टार्टर पोकेमोन है ना इतना पावरफुल नहीं है। यहाँ तक यार सबसे वीक स्टार्टर पोकेमोन मुझे ये लग रहा है। डिजाइन भी इतनी अच्छी नहीं है, पावर वाइज भी देखा जाए तो पोकेमोन यार इतना बेहतरीन नहीं है। ज्यादा लोग तो यार इसका नाम तक भी नहीं जानते हैं और यार कैसा पोकेमोन है यार। मुझे ये पोकेमोन इतना अच्छा नहीं लगा। बट पर्सनली देखने वाली बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि पोकेमोन को अगर ट्रेन करो तो पावरफुल बन जाएगा, बट काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जो अगला रीजन है वो है गलार रीजन। गलार रीजन का जो स्टार्टर पोकेमोन है स्पीड के मामले में सबसे बेस्ट है, यानी कि वो है इंटेलियन पोकेमोन। इंटेलियन पोकेमोन चाहिए तो यार किसी का स्टार्टर पोकेमोन चोरी करके लेके आ जाता हूँ। अरे गो है ना यहाँ पे, गो का यार अपना सुबल है ना उसको चोरी कर लेता हूँ। बट यार मेरे ये उसूलों के खिलाफ है, मैं चोरी नहीं करता। तो यार मुझे एंटेलियन भी मिल जाता है। इंटेलियन पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल है, खास करके डिजाइन जो है ना सबसे बेस्ट है। जितने भी वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन है ना उनमें से सबसे बेस्ट डिजाइन इंटेलियन की है। तो फाइनली मेरे पास आ गए हैं सारे स्टार्टर पोकेमोन, वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन। अब इनको रैंक करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पे जो पोकेमोन आता है ना दोस्तों वो है एलोरा रीजन का स्टार्टर पोकेमोन। बिकॉज यार सारे स्टार्टर के कंपैरिजन में ये पोकेमोन काफी वीक है। फिर दोस्तों नंबर 7 पे जो पोकेमोन आता है ना वो है फनीएस्ट पोकेमोन एवर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सेमू रोड के बारे में। पावर वाइज यार ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, डेट्स व्हाई यार नंबर 7 पे आता है। नंबर 6 पे जो पोकेमोन आता है ना पावर वाइज ग्रेट है, यानी कि डिजाइन वाइज भी ग्रेट है। यस मैं बात कर रहा हूँ फरारी गैटर के बारे में। अगर इसके पास मेगा एवोल्यूशन होता या फिर कोई और फॉर्म होता तो ये लिस्ट में थोड़ा ऊपर आ सकता
होता था, बट अभी के लिए ये नंबर 6 पर आता है। नंबर 5 पे जो पोकेमोन है ना दोस्तों, वो है इंटेलियन पोकेमोन। इंटेलियन जो पोकेमोन है जिगांटा में जी, जैसे नंबर 5 पर आता है। नंबर 4 पे जो पोकेमोन आता है ना दोस्तों, वो है एम्पोलियन पोकेमोन। एम्पोलियन पोकेमोन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, टाइपिंग कमाल की है, और यही कारण है इसका नंबर 4 पर आने का। और नंबर 3 पे जो पोकेमोन आता है ना दोस्तों, वो है स्वैम्पर्ड पोकेमोन। स्वैम्पर्ड पोकेमोन कमाल का है, खास करके जो टाइपिंग है ना, ग्राउंड एंड वाटर टाइप दोनों का मिक्सर टाइपिंग हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। इसको देखकर हम पागल ही हो गए थे। डैश वाई मेगा एवोल्यूशन भी है, तो ये नंबर 3 पे आएगा ना दोस्तों। नंबर 2 पे जो पोकेमोन आता है वो है ब्लास्टोइज पोकेमोन। मेगा एवोल्यूशन है भाई साहब, क्या मेगा एवोल्यूशन है, बेस्ट मेगा एवोल्यूशन एवर, कमाल का पोकेमोन है ब्लास्टोइज। डैश वाई ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पे जो पोकेमोन है ना दोस्तों, उसको सुनकर आप बोलोगे ओ माय गॉड ये कहां से आया, यानी आप सबको पता है नंबर 1 पे कौन है। ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करूँगा मैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन निंजा के बारे में। ग्रीन निंजा जो पोकेमोन है नंबर 1 पे आता है, इसका एक ही कारण है पॉपुलरिटी एंड पावर। इसकी पॉपुलरिटी एंड पावर काफ़ी ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ब्लास्टोइज जो है नंबर 1 पे आना चाहिए, बट गिंजा की जो फैन फॉलोइंग है ना, उसको देखते हुए ये नंबर 1 पे आ जाता है। खास करके बॉन्ड रिवॉल्यूशन है ना, फैन उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई गिंजा जो पोकेमोन है हमारी इस अमेजिंग सी वीडियो में नंबर 1 पे आता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पोकेविज का आंसर दो, एंड बाय बाय।